राम राम सभी को मेरी तरफ से और आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दोपहर के 1 बजे से। और तो इससे पहले कुछ था नहीं, अपनी स्टडी कर रहे थे बस, और कुछ होता नहीं है सुबह सुबह खास खास। तो लंच हमारा बन गया है और बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से, कल से ही, मतलब कल शाम से, कल दोपहर को हल्की सी हुई, शाम से तो इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है जैसे लग रहा है बस सुबह नहीं रात ही रात है। मतलब आप भी देखिए मौसम के नज़ारे। मौसम तो आप सबने देखा ही होगा, बहुत ही भयानक मौसम हो गया, सुबह दिन में ही रात हो गई, मतलब सुबह हुई नहीं है कल से। हल्का हल्की सी सुबह सुबह आई थी धूप की किरणें, बट पर नहीं, अब बहुत बेकार मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है सो जाओ बस, खाओ पियो और सो जाओ। तो अब आपको मिलती हूँ मैं बाद में लंच करने के बाद। खाना हमारा हो गया है तो मैं अब धोऊंगी बर्तन। तो आप देखिए मैं बर्तन धोती हूँ अपने अच्छे अच्छे हाथों के साथ। बर्तन मैंने धो दिए और बारिश इतनी जोरों शोरों से लगी है ना, मेरे रूम के साथ का नाला देखो भाई क्या नाला आ गया है तबाही। बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, तो आपको मिलते हैं शाम को। अगर थोड़ी बारिश कम हुई तो हम जाएंगे दुकान तक सामान लाने, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो इसको मौसम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है बारिश बंद होने वाली है, तो आपको मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स हमारा राशन पानी ख़त्म हो गया है ऐसी बारिश में और हमें राशन लाने जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपना बैग और छाता, अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर। सबसे पहले जाएंगे हम एटीएम, क्योंकि कैश जरूरी होता है ना, बिना कैश के कुछ नहीं आता है आजकल। तो आपको मिलते हैं सीधे एटीएम में। फेल हो रहे हैं एटीएम से, हमारा पोपट बन गया है क्योंकि एटीएम में कैश नहीं था। पीएनबी वाले बहुत घटिया सर्विस देते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा मतलब उन्हें बोलो जाके कि कुछ अच्छा अच्छी सर्विस दे हमें, मतलब कुछ अच्छी सर्विस, हम भी परेशान होते हैं भाई, हमें भी कैश चाहिए होता है कभी कभी। तो क्या होता है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत पोपट बनाते हो हमारा। तो अभी चलेंगे हम सब्जी लाने। अभी कर रही हूँ मैं स्टडी और रूम में आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली आते टाइम हम जब मार्केट गए थे, मार्केट से आते टाइम हम शूट कर रहे थे, तो शूट करते हुए रास्ते में होते ना कुछ अजीब से लोग जो आपको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और आपको बहुत गंदा फील होता है अंदर से, तो वैसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने फिर उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, आते टाइम भी मैंने कुछ शूट नहीं किया और रूम में आके भी मेरी इच्छा नहीं हुई भाई हाँ मैं कुछ शूट करूँ। तो बस उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल की, मम्मी पापा से बात की, उसके बाद भैया से बात की, उसके बाद डिनर बनाया और डिनर करने के बाद हम दोनों ने बातें बूते की थोड़ी देर, उसके बाद हम स्टडी करने बैठ के। बस अब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं,
तो अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड एंड गुड नाइट।